हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक जिल अकेडमी द इनफिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू our यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल icon फॉर लेटेस्ट updates. हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर सेकेंड को उसके फर्स्ट पार्ट में एसिड की प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ एसिड एसिड बेस इंडिकेटर इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझा था आज हम एसिड में ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी है फिजिकल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ दिखने में कैसी है या उसका टेस्ट कैसा है और वो अगर किसी वाटर में डिजोल्व हो जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है ठीक है ये सारा था फिजिकल अब हम देखते हैं केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं है ना तो वो होता है केमिकल हमने फिजिकल और केमिकल चेंज को भी पढ़ा था ठीक है तो वहीं से आता है केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट देखिए फर्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल क्या है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कि अगर एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा आपको एक वर्ड में ये ये वाला जो बॉक्स है ना बना रहा हूँ अगर ये याद है तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं इसकी कुछ भी लिख सकते हैं डेफिनेशन वगैरह कि कोई भी एसिड है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा सोल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी लिबरेट हो जाएगी इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर आप ऐसे एरो बना सकते हैं हमने केमिकल इक्वेशन इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है है ना वहाँ सीखा था कि कोई गैस अगर केमिकल इक्वेशन में या एक रिएक्शन में लिबरेट होती है तो वहाँ पर एरो का साइन वहाँ पर लगा देते हैं तो सिंपल सी लैंग्वेज वही है कि एसिड गेव हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ रिस्पेक्टिव सोल्ट वेन दे रिएक्ट विद द मेटल देखें यहाँ पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे फर्स्ट वाला है एम जी प्लस एच सी एल एम जी का नाम बताइए मैग्नीशियम एच सी एल का नाम बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड में नाम है लेकिन केमिकल में क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड आई डी ई ओके यूज दें अब हमें क्या याद है कि अगर एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ हो जाए तो हाइड्रोजन गैस तो हट जाती है एच टू तो क्या हो गया हमारा साइड लिमिट इसे हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है वहां पर मैंने समझाया था ना आपको कि कोई एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर दे तो वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो एम जी ने एच को कर दिया रिप्लेस और हमारा कंपाउंड बन गया एम जी सी एल टू प्लस एच टू वहां से क्या हो गया रिमूव सर ये एम जी सी एल टू क्यों बना देखो ये सारा खेल वैलेंसी का है हम नाइन्थ में सीख चुके हैं इन सारी बातों को ना फिर भी एक फटाफट से अगर मैं आपको बताऊं एम जी एम जी की जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस टू एम जी को लिखा जाता है एम जी प्लस टू और क्लोरिन की वैलेंसी होती है सी एल माइनस वन क्या होता है सी एल माइनस वन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनके प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा और जो नंबर होते हैं ना जो एलिमेंट के ऊपर लिखा गया नंबर हमारा राइट हैंड साइड में इसके वो अगर किसी सेम टेबल से कट हो रहे हैं तो काट दो वरना उसको क्रॉस एक्सचेंज मतलब इधर का नंबर इधर कर दो इधर का नंबर आप इधर कर दो तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा एम जी ये जो वन है एम जी के नीचे आएगा तो वन को तो हम लिखते नहीं है फिर लिख देंगे हम सी कैपिटल एल टू इसका नाम क्या हो गया सिंपल है एम जी को एम जी को क्या बोलते हैं मैग्नीशियम सी को क्या बोलते हैं क्लोरीन और जो पीछे आता है ना नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट में ये आई डी ई सफिक्स एड हो जाता है आप किसी भी कंपाउंड का नाम ले सकते हैं बस है ना? आप कुछ एक रूल याद रखिए जब हम आ, इस चैप्टर को करेंगे ना कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं तब मैं आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो आई डी ई सफिक्स वहाँ पर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है इसलिए इसका नाम क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड अभी इक्वेशन बैलेंस है क्या बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम तो यहाँ पर वन एंड वन सही है हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पर वन है और वहाँ पर कितने टू है, है तो इस वन को टू बनाने के लिए हमने क्या किया आगे टू दे दिया और जब आगे टू दे दिया तो हाइड्रोजन भी टू हो गए और क्लोरीन भी हमारे कितने हो गए दो बैलेंस हो गए इसलिए रेशियन को इस तरह से लिखा हुआ है ओके okay? समझ में आ गया सेकंड रेशन भी देख लीजिए सिंपल है यहाँ पे इस जेड ने एच को कर दिया रिप्लेस जेड को क्या कहते हैं जिंक एच टी एल हमारा अगेन क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड इसने इसको कर दिया रिप्लेस तो क्या बन गया जेड एन सी एल टू प्लस एच टू गैस क्या हो गई लेबरेट इसमें पर एरो लगा सकते एच टू गैस क्या हो चुकी है हमारीट जेड एन सी एल टू का क्या नाम है जिंक क्लोराइड अगेन फॉर्मूला कैसे जेड एन की वैलेंसी प्लस टू क्लोराइन की माइनस वन प्लस माइनस कट हो गया वन इधर आ गया टू इधर आ गया वन को हम लिखते नहीं है इसलिए जो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया जेड सी एल टू जिसका क्या नाम है जिंक क्लोराइड ओके बैलेंस है इक्वेशन इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं किया गया ना बैलेंस है देख लीजिए यहाँ पर कितने है? सी एल दो है यहाँ पर हाइड्रोजन दो है नहीं ये रिएक्शन में भी बैलेंस नहीं है कैसे यहाँ पर दो आना चाहिए तो यहाँ भी हमारा क्या लग जाएगा इक्वेशन में दो आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा कि इस के आगे हमारा क्या आ जाएगा टू आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन दो है ना इसलिए हाइड्रोजन को दो बनाने के लिए यहां पर मैंने दो से मल्टीप्लाई किया अब ये क्या 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 हमारी बैलेंस है है नेक्स्ट को देखिए लिखा हुआ एस टू से फोर जो कि क्या होता है हाइड्रोजन सल्फेट है ना जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं रिएक्शन हो गई तो इसने के ने एस टू को क्या कर दिया रिप्लेस हाइड्रोजन साइड में हो गया के टू इधर आ गया तो फॉर्मूला क्या बन गया के टू एस ओ फोर अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बना इस वाली चीज़ को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से पोटेशियम की वैलेंसी होती है प्लस वन तो के प्लस वन एस ओ फोर होता है सल्फेट एस ओ फोर माइनस टू ये जो होता है एस ओ फोर माइनस टू तो फॉर्मूला जब बनेगा ये दो इधर आ जाएगा और एक उधर चला जाएगा वन का तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा के टू एसओ फोर क्योंकि एस फोर को कहते हैं सल्फेट इसलिए इसका नाम हो गया पोटेशियम सल्फेट अगेन हाइड्रोजन गैस क्या होगी लिब्रेट होगी तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो है वो है हमारा किसके एग्जाम्पल आ रहे हैं आपको किसकी याद दिला रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही तो सीखा था कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है रिप्लेस करता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन को ये जो रिप्लेस कर रहे हैं तीनों एलिमेंट एम जी जेड एन और के ये हाइड्रोजन से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है जो कि है मेटल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना मेटल एंड नॉन मेटल वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है तो इसने इसको क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया फॉर्मूला हमारा ये बन गया रिएक्शन को देख लीजिए बैलेंस है पोटेशियम दो है पोटेशियम दो है सही है एस ओ फोर पूरा वन है एस ओ फोर पूरा ग्रुप वन है सही है हाइड्रोजन दो है हाइड्रोजन भी यहां पर कितने हैं दो है बैलेंस सेकेंड नंबर रिएक्शन देखिए फर्स्ट तो था मेटल के साथ सेकेंड है मेटल कार्बोनेट क्या है मेटल कार्बोनेट ये जो सेकेंड नंबर रिएक्शन है और ये जो थर्ड नंबर रिएक्शन है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा बस कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे इसमें जो एसिड है वो रिएक्शन करेगा हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और नेक्स्ट में हमारा जो मेटल है वो करेगा हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं इसको अच्छे से हम देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट है ना यहाँ पर हमारा बॉक्स कहाँ गया यहाँ पे अगेन हमें ये वाला बॉक्स याद रखना है कि अगर कोई भी एसिड कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर दे तो वो क्या बना देगा सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से दो कंपाउंड का फॉर्मूला आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है मुझे बताइए सर सी ओ टू वाटर क्या होता है मुझे बताइए सर होता है एस टू ओ तो बस आपको इजीली याद हो जाएगा कि सी ओ टू हट चुका है एच टू ओ हट चुका है अब जो भी सॉल्ट बनेगा पीछे जो बच जाएगा उसी का एलिमेंट का हमें क्या बनाना है सॉल्ट बनवाना है देखिए यहाँ पे एन ए टू सी ओ थ्री फॉर्मूला देख लीजिए पहले एन ए प्लस वन सी ओ थ्री माइनस टू कार्बोनेट जो होता है वो ये होता है सी ओ थ्री माइनस टू ये जो टू इधर आ जाएगा वन उधर चला जाएगा फॉर्मुला क्या बन जाएगा हमारा एन ए टू थ्री को एन ए को कहते हैं सोडियम CO3 थ्री माइनस टू को कहते हैं कार्बोनेट इसलिए इसका नाम हो गया क्या हो गया इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट ओके स्टूडेंट हर एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ हर एक कंपाउंड का फॉर्मुला भी आपको बताया जा रहा है तो एन का नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट जब इस जब इसने एच जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपको ये याद रखना है जब भी हमारे पास सी ओ थ्री आ जाए तो हमें सी ओ टू तो यहाँ पर लिखना है आंख बंद करके और एच टू लिख देना है मैं आपको रिएक्शन याद भी करवा रहा हूँ ये जो रिएक्शन है कैसे होगी कैसे हम इसको याद कर सकते हैं वो भी आपको सिखा रहा हूँ जब भी आपको सी थ्री दिख जाए आंख बंद करके यहाँ पे सी टू लिख दीजिए यहाँ पे एच टू ओ लिख दीजिए अब पीछे देखिए क्या हमारे पास रह जाता है सी ओ थ्री में से सी ओ टू चला गया ये एच भी काम आ गया और ओ थ्री में से एक जो ओ था वो भी हमारा यहाँ पे काम आ गया ओके okay. पीछे क्या बच जाता है ये बच जाता है हमारा एन ए यहाँ से बच जाता है हमारा सी एल तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा हमारा एन ए सी एल ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस है देख लीजिए यहाँ पे एन के एटम कितने है? टू है देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास सोडियम के एटम टू है यहाँ भी टू है ओके क्लोरीन के एटम टू है वो भी टू है हाइड्रोजन यहाँ पे दो है हाइड्रोजन यहाँ पे दो है कार्बन एक है कार्बन एक है सीफो कार्बन ऑक्सीजन तीन है ऑक्सीजन हमारा एक और ये दो कितने ओके तीन रिएक्शन क्या है हमारी बैलेंस नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखी है वो देखिए क्या है जेड एन सी ओ थ्री जिसका नाम क्या हो जाएगा जिंक कार्बोनेट अब इसमें दो इधर क्यों नहीं आया जिंक के नीचे क्योंकि जो जिंक की जो वैलेंसी होती है वो क्या होता है जेड एन प्लस टू और कार्बोनेट मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है सी ओ थ्री माइनस टू अब इन जब इन दोनों ने रिएक्शन की टू से टू क्या हो गया कट हो गया प्लस से माइनस कट हो गया तो जब कुछ बचा ही नहीं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा जेड एंड सी ओ थ्री जिसका नाम क्या हो जाएगा जिंक कार्बोनेट ओके जिंक कार्बोनेट एच टू फोर जो कि हमारा है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट अब देखिए रिएक्शन को रिएक्शन कैसे याद रखेंगे सर सी ओ थ्री में से सी ओ टू निकल गया एक ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एच टू ओ बना दिया पीछे क्या बचा हमारा पीछे रह गया हमारा ये सिर्फ जेड एन हमारा जेड एन रह गया और एस ओ फोर रह गया तो जेड एन तो होता है हमारा जेड एन प्लस टू ओके और एस ओ फोर की वैलेंसी होती है एस ओ फोर माइनस टू इस टू से ये टू क्या हो गया हमारा कट हो गया तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया जेड एन एस ओ फोर कुछ भी नहीं आया हमारे पास तो इसका नाम क्या होगा इसको तो कहते हैं हम जिंक इसको कहते हैं सल्फेट तो सर इसका नाम हो गया हमारा जिंक सल्फेट समझ में आ रहा है ना पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे फॉर्मूला आया क्या उसका नाम है ओके अब रेशम को देखा जाता है कि रेशम बैलेंस है या नहीं है जेड एन के आइटम वन है जेड के आइटम हमारे पास वन है एस ओ फोर एस ओ फोर एस फोर का ग्रुप वन है एस फोर पूरा ग्रुप एक है आप चाहे तो इंडिविजुअल देख लीजिए आप चाहे तो पूरा ग्रुप देख लीजिए सी वन है सी भी यहाँ पे वन है हाइड्रोजन के आइटम टू है और हाइड्रोजन के आइटम यहाँ पे टू है ऑक्सीजन देखिए कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पे है अब ये ऑक्सीजन यहाँ से काउंट हो चुका है एस फोर पूरा सिर्फ ये ऑक्सीजन देखूंगा तीन तो ये भी टू प्लस वन कितना हो गया थ्री रेशन क्या है हमारी बैलेंस नेक्स्ट रिएशन है हमारी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सिर्फ नाम में फ़र्क है कंपाउंड अलग आएगा बाकी रिएशन सेम है यहाँ पर नाम क्या था हमारा मेटल कार्बोनेट यहाँ पर क्या आ गया मेटल के साथ में हमारा ये हाइड्रोजन वर्ड भी आ गया बस कंपाउंड भी देखिए एन एच सी ओ थ्री है, है. वहाँ पर क्या था कंपाउंड वहाँ था हमारा एन ए टू सी ओ थ्री तो दो कंपाउंड होते हैं एक्चुअली एक होता है सी ओ थ्री माइनस टू एक होता है एच सी ओ थ्री माइनस वन वन को चाहे आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए ना जनरली वन को लिखा नहीं जाता है जनरली हम क्या करते हैं वन को लिखते हैं नहीं है तो सी ओ थ्री माइनस टू और एच सी ओ थ्री माइनस CO3 थ्री माइनस टू को हम कहते हैं कार्बोनेट कार्बोनेट आयन और एच सी ओ थ्री माइनस को कहते हैं बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट आयन ये आयन वर्ड क्यों है अगर ऊपर कुछ वैलेंस लिखी जाती है प्लस टू माइनस टू है ना तो वह हाँ आयन वर्ड हम लगाते हैं ओके तो फर्क समझ में आ गया यहाँ पर क्या काम था सी ओ थ्री जिसे हम क्या कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोनेट यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन आ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन है ना यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इसलिए इसको कहते हैं बाई या तो इसको ऐसे कह दीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या तो इसका नाम क्या लिख दीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या फिर इसका दूसरा नाम क्या है हमारा बाई कार्बोनेट आयन क्या है बाई कार्बोनेट आयन सिंपल सिचुएशन है देखिए अब फॉर्मूला कैसे आया देखिए फॉर्मूला आया हमारा एन ए प्लस वन होता है बाई कार्बोनेट क्या होता है हमारा एच सी ओ थ्री माइनस वन तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा वन से वन तो कैंसिल कुछ नहीं रहा पीछे क्या बन गया फॉर्मूला बन गया हमारा एन ए बन गया हमारा एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या नाम है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट जिससे हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ओके क्लियर होगा फिर एस के साथ रिएक्शन होगी इसकी तो सिंपल इसमें भी क्या होगा जहाँ भी सी थ्री मैंने क्या बताया कैसे याद रखना है जहाँ भी सी थ्री आ जाए सी टू आएगा एस टू भी आएगा पीछे क्या बचिया पीछे क्या बचेगा हमारे पास एक तो ये आगे वाला और दूसरे वाले का जो पीछे आ रहा है तो क्या बन गया एन NaCl सी एल एन एन सी एल से साथ रिएक्शन कर ली तो हमारे पास क्या हो गया क्या कंपाउंड हमारे पास फॉर्मेशन बन गया देखिए एक हो गया एन ए प्लस एन सी एल माइनस तो कंपाउंड क्या आ जाएगा वन से वन कट हो गया एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड क्या हो गया सोडियम क्लोराइड रिएक्शन को देख लीजिए कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है वन सेकेंड एन ए के वन है और एन ए का आइटम वन है ओके क्लोरिन का वन है क्लोरिन का भी वन है सही है एच थ्री ओ थ्री एच में देखिए एच यहाँ पर वन और वन टू है तो एच यहाँ भी कितने आ रहे हैं टू आ रहे हैं सही है एकदम से ऑक्सीजन तीन आ रहा है ऑक्सीजन यहाँ पर एक आ रहा है यहां पर दो आ रहा है तो वन और टू कितना हो गया थ्री और कार्बन वन आ रहा है कार्बन यहां भी क्या आ रहा है वन आ रहा है तो रेशन क्या है हमारी बैलेंस नेक्स्ट रेशन रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस ये वाली जो रिएक्शन है ना वो हमारा एसिड में भी काम आएगी और बेस में भी काम आएगी समझ में आ रहा है आपको एसिड में ऐसे काम आएगी कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस और बेस में कैसे काम में लेंगे कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड रिएक्शन सेम है लैंग्वेज सेम है इसलिए इसको एक बार ही हम अच्छे से समझ रहे हैं कुछ नहीं याद रखना आपको कि जब भी एसिड प्लस बेस बनेगा आपको पता ही है कि जब भी एसिड प्लस बेस आएगा तो हमारे पास क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर सिंपल सी रिएशन है कि जब भी एसिड प्लस बेस आएगा तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा सॉल्ट और वाटर यही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है और याद रखना है आपको कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके तो सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है एस टी एल एन एच ये वाली जो रिएक्शन है वो आपकी कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर वन में जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पर हमने क्या देखा था वहाँ पर हमने ये तो देखा था कि दोनों कंपाउंड के अगर आयन एक्सचेंज हो जाए तो वह क्या हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है सर यहाँ पर कैसे हुआ है देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये आगे आ रहा है H तो so, ये H किसके साथ रिएक्शन करेगा ओ के साथ और सोडियम आगे आ रहा है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा हमारा सोडियम क्लोरीन के साथ ठीक है ये वाला वर्ड मैं हटा रहा हूँ देखिए आपको समझाता हूँ अच्छे से आगे आ रहा है, है एच प्लस पीछे आ रहा है ओ एच इसकी वैलेंसी होती है माइनस वन एच की होती है प्लस वन ये है हाइड्रोजन ये है हाइड्रोक्साइड एच और ओ एच दोनों मिलकर क्या बना देंगे हमारा एच टू ओ ठीक है ये एक अलग रिएशन मैंने आपको बता दी जब ये वॉटर है ना हमने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया था वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइट कर दें इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो वाटर से हमें H+ प्लस और OH- एच माइनस आयन मिलते हैं याद रखिएगा आप कि वाटर में जिसका फॉर्मूला होता है एच टू हो जिसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड वहाँ पर हमें H प्लस और OH एच माइनस आयन मिलते हैं ओके पीछे क्या बच गया Na प्लस और सी एल माइनस फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से सिंपल प्लस वन माइनस वन कैंसिल वन से वन भी कैंसिल कुछ नहीं है हमारे पास आ गया एन ए सी एल डेट इज़ क्या हो गया सोडियम क्लोराइड तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे हुआ क्योंकि इसने इसके इसको किया रिप्लेस सोडियम को और सोडियम ने हाइड्रोजन को किया रिप्लेस आपस में ओके नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कौन है मेटेलिक ऑक्साइड ये राज का चार्ट कि अगर एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या बनाता है सोल्ट और वाटर गौर फरमाइए क्या कि जो हमने पीछे वाली रिएक्शन देखी थी ना बेस के साथ में वहां भी क्या बनता है सोल्ट प्लस वाटर तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर एसिड सोल्ट और वाटर दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा बेसिक होगा मतलब बेस होगा आई बात समझ में जब भी एसिड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर दे दें तो इसका ये मतलब है कि वो जो कंपाउंड है ना वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा बेसिक या तो न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक होगा एसिड नहीं होगा ओके okay? और सोल्ट और वाटर दे दें इसका मतलब इस वाली रिएशन को हम भी क्या कह सकते हैं इस वाली रिएशन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं इस वाली मेटल ऑक्साइड वाली रिएशन को भी हम क्या कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं ओके okay? एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका सेम में हमारा क्या बनेगा कि मेटल ऑक्साइड में ये जो है क्या बन जाएगा सॉल्ट और वाटर कैसे कैल्शियम ऑक्साइड और एच सी एल सी ए हमारा क्या है सी ए ओ हमारा है सी ए प्लस टू कैल्शियम ये होता है और ऑक्सीजन होता है और माइनस टू आधी समझ में आपको कैल्शियम की के वैलेंसी होती है प्लस टू और ऑक्सीजन की होती है माइनस टू इस टू से टू क्या हो जाएगा कट हो जाएगा क्या बन जाएगा सी ए सी ए को क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीजन होता है ओ पीछे आने पर मैंने बताया पीछे क्या लग जाता है आई डी e. तो तो इसका नाम क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड एस एल अब तो आपको याद हो ही क्या होगा सर एस एल क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके okay. क्या करेगा अगेन इसको क्या कर दिया रिप्लेस एच को कर दिया रिप्लेस तो फॉर्मूला क्या बन गया सी ए सी एल टू प्लस एच ने सी ए को कर दिया तो क्या बन गया एच टू अगेन ये कौन सी इडिएशन है डबल डिस्प्लेसमेंट इडेक्शन जिसमें आयन एक दूसरे को क्या कर रहे एक्सचेंज हो रहा है आयन का एक्सचेंज ओके ये फॉर्मूला सी ए प्लस टू सी एल माइनस वन दो चला जाएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सी ए सी एल टू सिंपल सी ए को कैल्शियम वो है क्लोरीन नाम क्या हुआ कैल्शियम क्लोराइड एच टू क्या होता है वाटर जिसका केमिकल नेम क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड ओके सेकंड देखिए जेडेनो जेडेंग की वैलेंस मैंने अभी आपको बताई थी जेडेन क्या होता है जेडेन होता है जिंक प्लस टू ऑक्सीजन होता है ओ माइनस टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा जेडेनो दो से दो कट जेडिंग क्या होता है जिंक और ये हो जाएगा ऑक्साइड तो नाम क्या बन गया जिंक ऑक्साइड एस टू एसओ फोर क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा जेड एन ने कर दिया इसको रिप्लेस हाइड्रोजन ने कर दिया इसको रिप्लेस तो जेड एन आगे है एसओ फोर पीछे है जेड एन आगे है एसओ फोर पीछे हाइड्रोजन आगे है ऑक्सीजन पीछे है हाइड्रोजन आगे है ऑक्सीजन पीछे है है ना ये आगे और पीछे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट आगे आता है ना वो प्रोडक्ट में भी आगे रहेगा जो कंपाउंड रिएक्टेंट्स में इधर वाले क्या होते हैं रिएक्टेंस होते हैं इधर वाले क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो जो एलिमेंट हमारा रिएक्टेंट में आगे आ रहा है वो प्रोडक्ट में भी आगे रहेगा पीछे नहीं हो जाएगा एक्सचेंज करने का मतलब है उस वो जो है दूसरों को दूसरे में से उसको जगह को खिसका रहा है पर खुद की जो पोजीशन है ना वो उसकी वही रहेगी जैसे जेड अगर यहाँ पर आगे है ना तो इस प्रोडक्ट में जेड भी क्या रहेगा हमारा जिंक आगे ही रहेगा जिंक पीछे नहीं चला जाएगा ऐसा मत कर देना वो गलत हो जाएगी चीज़ तो जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट डिएशन क्या बन जाएगा वाटर वाटर लिख दिया हमने तो जब वाटर लिख दिया वाटर का मतलब एच और ओ गायब हो गया वाटर का मतलब एच और ओ क्या हो गया गायब पीछे क्या बच्चा हमारा जयडन एस ओ फोर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं इसका नाम क्या हो गया जिंक सल्फेट फॉर्मूला कैसे आया अब तो आप तो अब तो आप सीख गए होंगे जैडन प्लस टू क्या होता है बताइए मुझे एस ओ फोर माइनस टू है ना प्लस टू से माइनस टू कैंसिल तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जेड एन फोर जिंक सल्फेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ वाटर कि अगर हमने एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा ली तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए आप एसिड जैसे कि मैंने ले लिया HCl सी एल वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो मैंने यहां पर लिख दिया एस टू ओ सर आपने H2O टू ओ को एरो के ऊपर लिखा है जबकि यहाँ पर एस टू आगे लिखा हुआ है एक्चुअली होता क्या है ये जो एसिड और बेस है ना ये वाटर में क्या होते हैं रिएक्शन ही करते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर में डिजोल होने का ये मतलब है कि इनके जो अंदर प्लस और माइनस का जो आयन है ना वो अलग अलग हो जाएगा जैसे एच सी एल में आगे आ रहा है हाइड्रोजन पीछे आ रहा है क्लोरीन जो आगे आता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज एक कंपाउंड में और जो एलिमेंट कंपाउंड में पीछे आता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज फिर आता है उनकी वैलेंसी चूँकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी वन है इसके भी वन है इसलिए वन को तो चाहे लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है तो इसलिए जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो वाटर के साथ रिएक्शन का ये मतलब है कि ये वाटर में डिजॉल होकर अपने आइस में सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन ऐसे हुई H प्लस आ गया अलग और प्लस सी एल माइनस आ गया अलग इसको तो कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन जिसे दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका दूसरा नाम हो सकता है हाइड्रोनियम आयन और इसका नाम है हमारा क्लोराइड क्लोरीन मत लिख देना है ना जब भी, भी आपको जब भी, भी आपको ये माइनस चार्ज दिख जाए किसी पर तो वहाँ पर आई डी ई -E वर्ड लगाना मत भूलना स्टूडेंट ओके वरना गलत हो जाएगा वो आपका तो ये हो गया माँ ये है ये हमारा हो गया क्लोराइड आयन यहाँ तक के लिए अब ये जो H प्लस है ना ये बड़ा क्या है नोटी है बड़ा बदमाश है ये बोलता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता जब ये अकेला नहीं हो सकता एक अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ये क्या करता है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है और जब एच टू ओ ने वाटर के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या बनेगा सिंपल है आप मुझे खुद ही बताओ एच आगे आ रहा है जब आगे है तो ये आगे वाले के साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा कंपाउंड बन जाएगा हमारा एच थ्री ओ प्लस अब आया समझ में यहां पर मैंने एच थ्री ओ प्लस क्यों लिखा है सीएल माइनस क्यों लिखा है एक्चुअल में हुआ यही है कि इस एच सी एल ने एच प्लस दिया और इस एच एच सी एल ने सी एल माइनस दिया बट क्योंकि एसिड का जो हाइड्रोजन प्लस होता है जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं वो अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसलिए उसने वाटर के साथ रिएक्शन कर ली और उसने बना दिया एच थ्री ओ प्लस जिसे भी हम हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं या फिर एक्वा भी कह सकते हैं मैंने आपको बताया था हाइड्रोनियम आयन या एक्वा कह सकते हैं तो आगे बात समझ में थैंक यू स्टूडेंट तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जाना कि अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये दो साइड प्रोडक्ट तो आते ही हैं लेकिन मेन प्रोडक्ट में उसका क्या होता है सॉल्ट ओके okay? वो सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है उसको मैंने अच्छे से आपको समझाया हर एक फॉर्मूला बताया फिर नेक्स्ट रिएशन क्या थी इसमें कि एसिड की बेस के साथ कैसे रिएक्शन करवाई जाती है और एसिड की बेस के साथ जो रिएक्शन होती है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कह सकते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट और वाटर बनता है फिर हमने एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाई उसमें भी हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है तो मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन में अगर एसिड सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पर वो जो कंपाउंड है वो बेस्ट कंसीडर होगा और उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी कह सकते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक अदर भी उसको दे सकते हैं फिर लास्ट में हमने देखा कि एसिड की अगर रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाए तो वाटर में जो एसिड और बेस होते हैं अपने अलग अलग आयंस में क्या हो जाते हैं डिजोल्व जाते हैं जब अलग अलग आयन में डिजोल्व हो गए तो H प्लस जो है वो बहुत ही क्या है नोटी है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसलिए वोटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना देता है? वो के साथ के वो H3O देता है तो आज के लिए इतना ही बाकी जो इसका नेक्स्ट कंटेंट होगा वो हम अगले वीडियो लेक्चर में जरूर कवर करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो फॉलोर्स ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंक For more information, you can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior-secondary level, competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.